एकता कपूर की फिल्म गुड बॉय में अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना निभा रहे हैं लीड रोल। शूटिंग शुरू। दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही हैं। विकास बहन के निर्देशन में बन रही फिल्म की शूटिंग शुक्रवार को मुंबई में शुरू हो चुकी है। रश्मिका ने फिल्म की शूटिंग मुहूर्त शॉट के साथ शुरू कर दी है, जबकि अमिताभ बच्चन 4 अप्रैल से अपनी शूटिंग शुरू करेंगे। गुड बॉय के जरिए विकास बहल और एकता कपूर रियूनाइट को हो रहे हैं। इससे पहले दोनों ने लुटेरा और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। अजय देवगन की फिल्म ट्रिपल आर से एक्टर का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। 2 अप्रैल को ट्रिपल आर के अपने फर्स्ट लुक से अपने फैंस को रिटर्न गिफ्ट दे चुके हैं। इस पोस्टर को लेकर अजय देवगन कई दिनों से उत्साहित थे, जो अब रिलीज हो गया है। अजय देवगन के साथ साथ आलिया भट्ट भी इस फिल्म से अपना तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हैं। कुछ दिनों पहले ट्रिपल आर फिल्म के निर्माताओं ने आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक का पोस्टर रिलीज किया था। पारस छाबड़ा के साथ म्यूजिक वीडियो गलत में नजर आएंगी रूबीना। एक्ट्रेस इन दिनों टीवी सीरियल से ज्यादा फिलहाल म्यूजिक वीडियो में काम कर रही हैं, जहां कुछ ही घंटों पहले रूबीना ने अपने नए गाने के पोस्टर को रिलीज किया है। एक्ट्रेस के इस नए गाने का नाम गलत है। इस वीडियो में एक्ट्रेस के साथ पारस छाबड़ा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इतना ही नहीं, ये गाना 6 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। रजनीकांत को दादा साहब मिला फाल्के पुरस्कार। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को ऐलान किया। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। रजनीकांत बीते 5 दशकों से सिनेमा पर राज कर रहे हैं। इस साल ये सिलेक्शन ज्यूरी ने किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा है, आज इस साल का दादा फाल्के अवार्ड महान नायक रजनीकांत को घोषित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। पार्टी के बाद डांस वीडियो शेयर कर ट्रोल हुई स्वरा भास्कर। कोई बोला बेहुद्दा तो किसी ने जंगली करार दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर अपने अंदाज को लेकर हमेशा सुर्खियों बटोरती रहती हैं। बेबाक अंदाज के लिए मशहूर अभिनेत्री स्वरा भास्कर होली के बाद से ही पार्टी के मूड में नजर आ रही हैं। स्वरा ने अपना एक खास वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे लेकर एक्ट्रेस चर्चा में चल रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें वे साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं और अकेले आफ्टर पार्टी कर रही हैं। अभिनेत्री के फैंस इस वीडियो पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग इसको पसंद कर रहे हैं तो कुछ उनके जमकर खिंचाई कर रहे हैं। एक महिला यूजर्स ने लिखा, ये हम हैं और ये हमारी साड़ी है और यहाँ हमारी आफ्टर पार्टी हो रही है। वहीं कुछ लोग उनका ये अंदाज देखने के बाद उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। एक ने लिखा है, ये मोदी को हराने निकली है। वहीं कई यूजर्स ने उनके डांस को भद्दा बताया और तो किसी ने उन्हें जंगली करार दे दिया। पिछले दिनों स्वरा ने ट्वीट करके पीएम मोदी के वसुधैव कुटुंबकम को मात्र एक फॉरेन ट्रिप का जुमला बता दिया, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी जमकर खिंचाई भी की थी। दया बहन के पति चार्टर्ड अकाउंट तो गोरी मेम के बेकर। जानिए क्या करते हैं इन सेलेब्स के पार्टनर। छोटे पर्दे पर बेहतरीन जोड़ियों के साथ नजर आने वाले सेलेब्स के रियल लाइफ पार्टनर्स भी किसी से कम नहीं है। दर्शकों की हमेशा से रियल लाइफ के अलावा अपने पसंदीदा कलाकारों की रियल लाइफ में भी खास दिलचस्पी रहती है। इन कलाकारों के पार्टनर्स भी किसी से कम नहीं है। हालांकि कई कलाकार को कार्यक्रमों में अपने पार्टनर्स के साथ देखा जाता है, तो कई इन्हें चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रखते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ सेलेब्स के रियल पार्टनर से मिलाने जा रहे हैं। दिलीप जोशी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को नहीं जानता है।
इस शो में जेठालाल गड़ा का किरदार निभा रहे दिलीप जोशी की पत्नी का नाम जयमाला है। उनके दो बच्चे हैं ऋत्विक और नियति जोशी। साल 2008 से ही दिलीप जोशी इस शो के साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जोशी अपनी पर्सनल लाइफ को लाइम टाइम से दूर रखते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बैन को आप जरूर देखते होंगे। इनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है। दया बैन का असली नाम दिशा वकानी है और उनके पति मयूर पंड्या चार्टेड अकाउंट है। दिशा और मयूर ने नवंबर 2015 में शादी की थी। आसिफ शेख भाभी जी घर पर है आज के समय का पॉपुलर कॉमेडी सीरियल। इस शो में विभूति नारायण मिश्रा का रोल प्ले करने वाले आसिफ शेख की पत्नी जेबा शेख है। विभूति की पत्नी लाइमलाइट से दूर रहती हैं। आसिफ की बेटी का मरियम और वह टैलेंट कंपनी में काम करती हैं। वहीं कॉमेडी स्टार सुनील ग्रोवर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सुनील की फैमिली भी लाइमलाइट से दूर रहती है। उनकी पत्नी का नाम आरती है और वह पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है। सुनील टीवी शो में से लेकर कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। किकू शारदा द कपिल शर्मा शो में बच्चा यादव के अलावा कई रोल प्ले करने वाली किकू शारदा ने 2002 में प्रियंका शारदा से शादी की थी। उन्होंने पत्नी प्रियंका के साथ नच बलिए 6 में हिस्सा लिया था। प्रियंका से किकू की मुलाकात मुंबई के जुहू स्थित एक होटल में हुई थी। प्रियंका शादी से पहले मलेशिया में रहती थी। वही छोटी शरदारनी से नजर आ रहे एक्टर अविनेश रेखी की पत्नी का नाम रायशा है। दोनों की मुलाकात एक शादी में हुई थी और इसके बाद से ही उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया। अविनेश ने रायशा से 2010 में शादी की और उनके दो बच्चे हैं।